नमस्कार। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों के लिए नया वर्ष 2024 कुछ विशेष शुभ योग बना रहा है, जिसमें सूर्य और मंगल का संबंध वर्ष प्रवेश के समय लगन और भाग्य का संबंध राजयोग का निर्माण करता है। आप यदि कंपटीशन दे रहे हैं तो 100% आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे और प्रेमी वर्ग के लिए भी उपरोक्त वर्ष बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान कर रहा है। चतुर्थ स्थान में शुक्र और बुध स्थित है, जो कि विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। घर में नए वाहन मकानों की प्राप्ति, सुख सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है। आपके वाहन और मकान का स्वप्न पूर्ण हो सकता है। गुरु आपके भाग्य स्थान में स्थित है, भाग्य को प्रबल कर रहा है। जिस किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत और प्रयास करेंगे उसमें आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन द्वितीय भाव में केतु है, जो कि आपकी वाणी को प्रभावित करता है। आपके निकट से निकट के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं या लालच के चक्कर में आपको कुछ धन की हानि हो सकती है। अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें। अष्टम स्थान में राहु स्थित है, जो कि अचानक कोई ना कोई व्यवधान या स्वास्थ्य से संबंधित बाधा दे सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना, अमावस्या के दिन बाहर की यात्रा न करें और गरीबों को भोजन आदि का दान आप प्रदान करते रहें। आपके इष्ट देव श्री राम दरबार या राधे कृष्ण है, जिनकी साधना से उनकी पूजा से आप नए वर्ष का प्रारंभ करें। कन्या राशि वालों के लिए उपरोक्त वर्ष कुछ विशेष लाभकारी बन रहा है, लेकिन कुछ बाधाएं भी दिखाई दे रही है। चतुर्थ स्थान में सूर्य और मंगल का योग, भूमि की प्राप्ति, दशम भाव पर दृष्टि, कार्य क्षेत्र का विस्तार, प्रमोशन आदि अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तीसरे स्थान में शुक्र और बुध का विष्णु लक्ष्मी योग, मेहनत और प्रयास से आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। धन प्राप्ति के नए नए साधन भी बनेंगे। लाभ स्थान में चंद्रमा भी अनेक प्रकार के लाभ आपको प्रदान करता है। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, प्रेमी वर्ग के लिए भी अनुकूलता बनेगी और संतान पक्ष को भी उपरोक्त वर्ष में लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु अष्टम स्थान में स्थित है, जो कि पार्टनरी में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वाद विवाद हो सकता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या अष्टम भाव का गुरु कुछ पारिवारिक उलझने धन को लेकर चिंता प्रदान करता है। आपको घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराना लाभकारी रहेगा। छठवें स्थान में स्वराशि के शनि, जो कि कर्जा, कॉम्पिटिशन, शत्रु और वाद विवाद उत्पन्न कर सकता है, लेकिन चूंकि स्वराशि का होने से उन पर विजय भी प्रदान करेगा। नए वर्ष का प्रारंभ आप अपने आराध्य देव इष्ट देव शिवजी की साधना से प्रारंभ करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।